आपको बता रहे हैं कि आलमीन की शफात का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। पेंडोरा पेपर सामने आ गए हैं, 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं। दुनिया के 35 अहम रहनुमाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान, नेदरलैंड्स और ब्राजील के वज़ीर खजाना की ऑफशोर कंपनियों से लिंक्स बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साबिक चीफ डोमिनिक स्ट्रॉस का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये इंकशाफात आगे चलकर मजीद क्या तहलका मचाते हैं, क्योंकि पैनामा पेपर्स ने पाकिस्तान में सियासी तौर पर भूचाल बर्पा किया था। अब जब पेंडोरा पेपर सामने आए हैं, ये जो आलमीन के शफात का पेंडोरा बॉक्स खुला है, अब देखना यह है कि 700 से ज्यादा पाकिस्तानी वो कौन हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर खजाना इसाक डार का नाम सामने आ रहा है, और आपको बताएं कि और भी कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है और उनका नाम बताया जा रहा है कि उनके नाम पर ऑफशोर कंपनियां हैं। इसाक डार के बेटे का नाम भी ऑफशोर कंपनी रखने वालों में मौजूद है। और अली, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पानामा लीक्स में हमने जिस तरीके से देखा पाकिस्तान में सियासी भूचाल आया था, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आलमी सतह पर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर्स थे जिनको रिजाइन करना पड़ा था। और अब सूरत हाल हमारे सामने आ रही है इस रिपोर्ट का, दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात इसको कहा जा रहा है। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ है। और अब हमारे सामने जो आ रही हैं बातें, उनके मुताबिक इसाक डार के बेटे का नाम भी इस ऑफशोर कंपनी रखने वालों में मौजूद है, और पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन के नाम भी ऑफशोर कंपनी के मालिकों में निकले हैं। बिल्कुल, साबिक वजीर खजाना इसाक डार का बेटे का नाम भी ऑफशोर कंपनी रखने वालों में मौजूद है। और अब अहम इतला यह है कि पाकिस्तान के वजीर खजाना जो इस वक्त मौजूदा वजीर खजाना है, शौकत तरीन के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। अलीम खान पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा हैं, खुसरो बख्तियार विफाकी वजीर हैं, उनके अहले खाना और शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा हैं, उनकी भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। तो पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इसाक डार के बेटे का नाम निकला है, उनके नाम पर ऑफशोर कंपनी है। पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। अलीम खान, खुसरो बख्तियार के अहले खाना और शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। इसाक डार के बेटे का नाम भी ऑफशोर कंपनी रखने वालों में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई है। मजीद आपको बताएं कि अलीम खान, खुसरो बख्तियार के अहले खाना और शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो नाम सामने आ रहे हैं, आपको बताएं इसाक डार के बेटे के नाम भी ऑफशोर कंपनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खजाना जो मौजूदा वजीर खजाना शौकत तरीन साहब हैं, उनके नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत में शामिल अलीम खान, खुसरो बख्तियार के अहले खाना और शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। अभी मजीद नाम सामने आ सकते हैं दुनिया के 35 अहम रहनुमाओं के नाम, और पाकिस्तान का अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसाक डार के बेटे के नाम भी ऑफशोर कंपनी है। पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। इसके अलावा अलीम खान, खुसरो बख्तियार के अहले खाना और शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। बिल्कुल, दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं के नाम सामने आ रहे हैं पेंडोरा पेपर्स में, और ये पेंडोरा पेपर्स पेंडोरा बॉक्स की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। एक तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर ये पेपर्स हैं जिनमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 700 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनका या तो बरह रास्त ताल्लुक या बिलवास्ता ताल्लुक बताया जा रहा है ऑफशोर कंपनी से। साबिक वजीर खजाना मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार के बेटे का नाम भी ऑफशोर कंपनी रखने वालों में शामिल बताया जा रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना शौकत तरीन के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। अलीम खान की अगर हम बात करें तो उनका नाम भी ऑफशोर कंपनी रखने वालों में शामिल है। खुसरो बख्तियार के अहले खाना जो है वो ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, और शर्जील मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। तो अब देखना यह है कि मजीद कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आएंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्योंकि हमने देखा था पैनामा पेपर्स में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी थे जिनके नाम उसमें शामिल थे, और तहलका खेज इनके शफात से भरपूर पैनामा
पेपर सामने आए थे और हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया था। अब की बार देखना यह है 700 से जायद नाम ऐसे हैं जिनके नाम पर या तो बिलवास्ता या फिर बिलावास्ता जो है वो ऑफशोर कंपनी है, तो देखना यह है कि अब ये सियासत में कितने भूचाल बरपा करते हैं पेंडोरा पेपर्स। बिल्कुल, पेंडोरा पेपर्स का अगर बात की जाए तो इसकी तहकीकात ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ज्यादा नाम सामने आएंगे। पाकिस्तान, नेदरलैंड्स और ब्राजील के वज़ीरे खजाना की ऑफशोर कंपनियों से लिंक्स बताए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साबिक चीफ डोमिनिक स्ट्रॉस का नाम भी इसमें शामिल है। इसहाक डार के बेटे का नाम भी ऑफशोर कंपनी रखने वालों में मौजूद है। पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली है। अलीम खान, खुसरो बख्तियार के अहले खाना और इसके अलावा शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। उर्दन का अगर जिक्र करें तो उर्दन के किंग अब्दुल्ला दोएम ने ऑफशोर कंपनीज के जरिए 68 मिलियन डॉलर के 2 मेंशन खरीदे हैं। यानी कि देखा जाए तो आलमी सतह पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि पेंडोरा पेपर्स में हमें बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। उनमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इसहाक डार, जिनके बेटे का नाम ऑफशोर कंपनी रखने वालों में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन और इनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। अलीम खान, खुसरो बख्तियार के अहले खाना और शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। बिल्कुल, पेंडोरा पेपर्स ने करप्शन का आलमी पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई हैं। दुनिया के 35 अहम रहनुमाओं के नाम भी सामने आ गए हैं। पाकिस्तान, नेदरलैंड्स और ब्राजील के वज़ीरे खजाना की ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। और आपको बताएं कि आईएमएफ के साबिक चीफ डोमिनिक स्ट्रॉस का नाम भी इस पैनामा पेंडोरा पेपर्स में शामिल बताया जा रहा है। इसहाक डार के बेटे का नाम भी ऑफशोर कंपनी रखने वालों में मौजूद बताया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। अलीम खान, खुसरो बख्तियार के अहले खाना और शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी बताई जा रही है। उर्दन के किंग अब्दुल्ला दोएम ने ऑफशोर कंपनीज के जरिए 68 मिलियन डॉलर्स के 2 मेंशन खरीदे हैं, यह भी बताया गया है इन पेपर्स में।